राधे राधे सभी को। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूप, हमने तो चलिए शुरू करते एक हैं। कटोरी ये कॉर्न ले लिए, और ये एक नींबू ले लिया है, एक बाउल हरी मटर, एक कैरेट, एक शलजम, चार टमाटर और एक प्याज और 6 लहसुन की कली, धनिया पत्ती, अदरक, काला नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्ची और हींग, और ये हमने 2 चम्मच देसी घी कर लिया है। हींग डालेंगे हम, फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को अच्छा थोड़ा फ्राई करेंगे हम, हेल्दी और टेस्टी होता है ये, सर्दियों में आप जरूर बनाएं। तो ये हम अदरक डालेंगे, इसके बाद ये सारी भी देखते हैं। धनिया पत्ती, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इसे आधा ग्लास पानी करके बॉईल होने, और ऊपर से हमने इसमें पत्ता गोभी भी ऐड कर दिया थोड़ा सा टुकड़ा, और इसे हम ठंडा करके और मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखिए मिक्सी में हमने सारा जो हमारे बॉईल किए थी सब्जियां वो हमने पीस ली हैं मिक्सी में। 2 चम्मच घी डाल दिया हमने, यहाँ 2 चम्मच हम जीरा डालेंगे और 1 पिंच हींग, और इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए हमने इसमें पानी कर दिया है, और इस तरीके से हमारा ये पतला हो गया है। आप चाहें तो इसे और भी पतला कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे बॉईल होने देंगे और टेस्टी और हेल्दी सूप बन करके हमारा रेडी हो जाएगा। और ऊपर से हमने देखिए इसमें मसाला ऐड कर दिया है, आप कोई भी मसाला ले सकते हो आपके घर पे जो हो, मैंने किचन किंग मसाला डाला है, इससे थोड़ा चटपटा हो जाएगा ये। देखिए ऊपर से मैंने इसमें मक्खन डाल दिया है, आप चाहें तो बटर डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सूप बन करके रेडी हुआ है।